नमस्कार। भागदौड़ भरी दुनिया में आप रह जाते हैं अपनी खबरों से दूर। आरपी की दौड़ में छिप जाती है आपके काम की खबर। ब्रेकिंग न्यूज में गायब हो जाती है मुद्दे की खबर। बात देश की राजनीति की हो या बढ़ते अपराध की, हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर, क्योंकि हर खबर से जुड़ा है आपका सरोकार। इसलिए देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। पंजाब की प्रसिद्ध गायिका मिस पूजा एक बार फिर से अपने सुरों का जादू बिखेरने के लिए तैयार है। जी हाँ, लोगों के बीच अपने सुरों का जलवा बिखेरने वाली मिस पूजा इस बार अपने फैंस को दशकों पुराने गाने पर एक नए अंदाज के साथ झूमने पर मजबूर कर देंगी। और अपने इसी नए गाने के प्रमोशन को लेकर मिस पूजा राजधानी दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने अपने इस नए गाने की प्रमोशन की। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। पंजाब की शान और सुप्रसिद्ध गायिका मिस पूजा, जिस नाम ने अपनी आवाज़ से करोड़ों दिलों को जीता है, आज एक बार फिर मिस पूजा अपने सुरों का जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। वैसे तो मिस पूजा ने अपने संगीत के नए नए अंदाज से लोगों को अपनी आवाज़ पर जमकर नचाया है, लेकिन इस बार मिस पूजा ने दशकों पुराने उस संगीत को अपनी आवाज़ देने का काम किया है जो पहले ही लाखों दिलों में छाया हुआ है। जी हाँ, गाने का नाम है पर्दे में रहने दो। ये पर्दे में रहने दो सॉन्ग है, जिसका कि ये हमने रिक्रिएटेड वर्जन अभी बनाया है और रिलीज करने आज लोगों के शहर दिल्ली में आए हुए हैं। ये आशा जी का गाया हुआ एक ऑल टाइम कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मेलोडी है, और जब हम इसको रिक्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम एक चैलेंज था कि जो आप नया गाना बनाए वो किस तरीके से पुराने गाने से मैच करे, या एटलीस्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई थी। तो फाइनली ट्रैक एक अच्छी शेप ट्रैक ने ली है। उसमें दो कारण हैं, एक तो मिस पूजा जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका गाने का, तो इन्होंने उसको आवाज़ दी, और उसके कारण जो म्यूज़िक है उसको हेल्प मिला। और अब ओवरऑल ट्रैक आप देखिए, जो वीडियो है, कंगना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, गाना इन्होंने गाया बहुत अच्छे से है, और हमने बड़े दिल लगा के इसको म्यूज़िक में बड़ी मेहनत की है। आजकल पुराने गाने को नए आवाज और अंदाज के साथ दर्शकों के बीच पेश करना एक नया ट्रेंड बन गया है। हालांकि इसमें संगीत की और संगीतकारों की सूची काफ़ी लंबी है, और इस फहरिस्त में अब नाम जुड़ गया है पंजाब की मशहूर गायिका मिस पूजा का, जिन्होंने हाल ही में अपना एक नया गाना लॉन्च किया है। मिस पूजा ने दर्शकों पुराने गाने को अपनी आवाज़ में फैंस के बीच नए अंदाज के साथ पेश किया है। गाने का नाम है पर्दे में रहने दो, जो एक पार्टी सॉन्ग है। इसके अलावा मिस पूजा के फैंस के लिए यह गाना एक और लिहाज से अलग है कि उनके लगातार पंजाबी ट्रैक के बाद यह मिस पूजा का पहला हिंदी ट्रैक होगा, और निश्चित ही पूजा के फैन इस गाने को सुनकर थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। एवरग्रीन सॉन्ग है, बचपन से बहुत पसंद था मुझे ये गीत। जब ऑफकोर्स पंजाबी सॉन्ग बहुत सारे गाए हैं, एंड इन्होंने सोचा कि मेरी आवाज़ इस गाने को सूट करेगी, और जब मुझे पता चला तो आई ट्राइड कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकूँ जो मैंने पहले किया है उससे, तो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर दिया है गाने को, एंड अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया, एंड रिस्पॉन्स जब अच्छा मिलता है तो काम करने का मज़ा आता है, एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। समझ इशारा उसने को बस पर्दे में रहने दो, रहने दो, रहने दो, हाँ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी आपको बता दें कि ये 50 के दशक का गाना है, जिसे उस समय की मशहूर गायिका आशा भोसले ने गाया था, और अब उसी गाने को एक नए अंदाज के साथ मिस पूजा ने गाया है। इस पर जब मिस पूजा से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उनके बराबर तो ना कोई गा सकता, ना मैंने गाया।
मगर थोड़ा सा ट्राई किया है एंड थोड़ा मतलब जैसे वो ट्रेडिशनल था, पुराना सॉन्ग था, तो ये जब रिक्रिएट किया तो जैसे शहजबुद जी ने म्यूजिक को थोड़ा स्टाइलिश न्यू एज किया, वैसे मैंने अपनी गायकी को थोड़ा न्यू एज कर लिया। ओरिजिनल सॉन्ग्स आ रहे हैं कि वो नहीं चल रहे, वो भी चल रहे हैं, एंड पुराने सॉन्ग्स को हमेशा से ट्रेंड रहा है कि एक एक गीत आ जाया, ये 100% ऐसा होगा कि वो 10-20 साल बाद उसको दोबारा रिक्रिएट करें। एक तो वो सॉन्ग रिफ्रेश हो जाता है। ये गाना हमने 50s के सॉन्ग को रिक्रिएट किया है, तो मतलब ऑल टुगेदर जो मेलेडी का पैटर्न है वो ऐसा है कि आपने सुना नहीं होगा कोई पिछले 4-5 साल में कोई 50s का गाना रिमिक्स करा है। आपको बता दें कि मिस पूजा के सभी गानों को उनके फैंस ने काफ़ी सराहा है और शायद इसी का नतीजा है कि आज मिस पूजा करोड़ों दिलों पर राज करती है। लिहाजा अब ये देखना भी लाजमी होगा कि दशकों पुराने जिस गाने को मिस पूजा ने नए अंदाज में पेश किया है उसे पूजा के फैंस कितना पसंद करते हैं। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश कुमार के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।